संभाल लूंगा। पक्का? तुमने फ्रिज में पूरी आर्मी के लिए खाना जगह रखा है। जल्दी करो, वैसे भी जाने में काफी टाइम लगेगा। एंड यू नो हाउ योर मॉम पैनिक्स। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं, मुझे तो इस वीकेंड काफी वर्कलोड है, तुम बताया तो था। एंड वैसे भी शी इज मच हैप्पियर सीइंग यू ऑन योर ओन। ठीक है, तो फिर तुम मेरे बैग ऊपर से ले आओ। इन द मीन टाइम मैं हर सारा सामान चेक कर लेती हूं। ठीक है, पर मैं अभी भी कह रहा हूं दादी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। परेशान हो जाओगी अबाउट लिविंग इज ऑन आवर ओन। राहुल यहाँ आ रहा है एंड यू डिडंट टेल मी। अरे उसने कल ही फोन किया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारी वजह से अपने प्लान्स चेंज करो। वैसे भी मैं सब मैनेज कर लूंगा। राहुल वीकेंड पे रुक रहा है क्या? यस, इसीलिए तो मैंने एजेंसी हायर की थी। अब बिट एक्सट्रावेगेंट आई नो, बट मैं डिनर के लिए बिल्कुल फ्री रहना चाहता था। थोड़ी पुरानी बातें करते हैं, थोड़ी जोका की यादें ताजा करते हैं। कब आ रहे हो? अरे जल्दी, मुंबई से आ रहा है, एयरपोर्ट पहुंच के फोन करेगा। डार्लिंग, तुम्हें ये प्लान्स बिल्कुल नहीं चेंज करने चाहिए। यू गो सी योर मदर, मैं और राहुल यहाँ ओल्ड फैशन बैचलर्स टाइम बिताएंगे। एवरीथिंग इज प्लान्ड। लव तो ऐसे ही रहा। चलो ठीक है, मैं गाड़ी निकाल देता हूँ। ठीक है, show your mom doesn't need you.
पक्का। ओह गॉड। क्या? ओह गॉड। अब बाय द वे राहुल का कॉल आया, वो रास्ते में है। ओह गॉड। उसने तुम्हें बुलाया, मैंने नहीं। काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। I am so glad तुम यहाँ आ गए हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो आया हूँ। He's coming। Hello, तुम लोग आए? बस अभी। बस यार अभी अभी। कैसे हो? Terrific। होंगे कैसा रहा? Terrific। यार तुम दोनों से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। भाई तुम तो आजकल दिखते ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। यार लवली होम। हां नाइस थैंक्स। छोटा है बट आई डोंट नो नीड इट। रिया ने खुद इसे डिजाइन किया है। रियली सो अट्रैक्टिव। तुमने राहुल के रूम डिजाइन कर लिया? मोर ऑर लेस। देखो तुम या तो ये वाला रूम ले सकते हो या फिर ये वाला। हां ये वाला। ये हां ये ठीक है यार। अरे भाई ये तबेला है क्या? हमारे यहाँ आने से पहले ये पुराना फार्म हुआ करता था। किचन, डेयरी, डाइनिंग रूम, मुर्गी घर और ये वाला रूम सुअर का था। फिर तो अच्छा मैंने ये रूम ले लिया। अच्छा ये हाँ सामान रख देता हूँ। हाँ ये रूम बेटर है। बहुत अच्छे। लवली बिग बेड। क्या? एंड डोंट लॉक इट टुनाइट। क्या? वी गॉट टू शॉप फॉर मोर टुनाइट। चलो लिस्ट बनाते हैं। तुमने डिनर के लिए क्या प्लान किया था? हाई ड्रिल प्लान। तुम भी ना हद करते हो। डिनर में अच्छी सी मील प्रिपेयर करते हैं। ये सिमर लड़की अच्छी कुक तो है ना? क्या सर्व कर देंगे? चिल किए ना। उफ तुम भी ना चलो मेरे साथ डिनर की तैयारी करते हैं। मैं मेरी क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स है। किस लिए? बिल्स देने के लिए। वो तो तुम भी कर सकती हो। बैग्स उठाने के लिए। चलो जल्दी करते हैं शाम होने वाली है। गॉड अबे लेकिन मानना पड़ेगा तबेले के मुकाबले काफी सही बनाया। जल्दी सुन हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? बैठो बैठो ड्रिंक लोगे? अभी से जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जो यूजुअल वोडका एंड टॉनिक। टॉनिक ज्यादा पुराने आदत है यार। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? 15 साल। हाँ लगभग। आजकल इतना मिलना नहीं हो पाता है कि नहीं? ये तो है पर हम आज भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ यार बिल्कुल बॉस। क्राइसिस सिचुएशन में हम एक दूसरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। हाँ यार लेकिन व्हाट क्राइसिस? यार इस वीकेंड के बारे में देयर समथिंग दैट यू डोंट नो। क्या? रिया को यहाँ नहीं होना चाहिए था यार। आई नो आई मीन यार आई डोंट नो वो इस वीकेंड अपनी मॉम क्या जानती है। मच अगेंस्ट हर विशेस। मॉम्स विशेस ही प्रियास। क्यों? मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ना पसंद नहीं। अच्छा लेकिन वो एक बात नहीं जानती थी। क्या? कि मैं इस वीकेंड अकेला नहीं रहने वाला था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं आ रहा था बाहर। नहीं मतलब वो भी है। इनफैक्ट वो प्रोवाइडर गुड है भाई। अहला भाई। हाँ भाई किस लिए? जिस वजह से मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला था। क्या घुमा फिरा के बातें कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख क्या कुछ दिनों पहले मैं एक लड़की से मिला। रियली मॉडल सुपर। रियली बेटा सरप्राइज क्यों हो रहा है? नहीं नहीं यार मैं तो कुछ पता लगा। मैं तो उसी समय उस पर फ्लैट हो गया था। रियली एंड शी फेल फॉर मी। रियली अबे कौन पर रियली रियली बोल रहा है? सॉरी। देख द पॉइंट इज कि प्रिया इस वीकेंड यहां नहीं होने वाली थी और मेरी सिमी आ रही थी यहां। हां उसका बर्थडे है यार। मैं सब कुछ प्लान कर रखा था। और नाइस लिटिल सेलिब्रेशन तुम्हें से देखा? मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। तुझे देखेगा ना एक बार में पहचान जाए यार। रियली यार मुझे उसे एयरपोर्ट से पिक करने जाना था। बेटा क्या कर रहा है बहुत बुरा पता है। इसीलिए तो तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? हाँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ? तू कह रहा कि वो तेरी सेटिंग है? मेरी? हाँ नो यस नो यस नो
मुझे दिक्कत क्या यार, मेरे पास ऑलरेडी बात नहीं बनेगी। अरे क्यों नहीं करेगा? नो 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 यार, डेफिनेटली ना, काम ही नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? मैं आज तक उससे मिला नहीं, मिलना चाहता भी नहीं, पर मिल भी गया तो उसे यहाँ कैसे ले आऊं? प्रिया क्या कहेगी? प्रिया का इशू क्यों होगा? प्रिया तो आई मीन उसने यार, अच्छे खासे नौजवान हो, गर्लफ्रेंड रखा तुम्हारा हक है भाई। जानती है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने किसी गर्लफ्रेंड का मेंशन ही नहीं किया था यार। ये क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का, किसको पता चलेगा? मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है? प्रिया को पता चलेगा यार, उसकी मॉम को पता चलेगा। उनको मैं नहीं कर पाऊंगा, इनफैक्ट मैं नहीं करूंगा यार। करना पड़ेगा, हमारी मैरिज इस पे डिपेंड करती है। तूने मुझे इसीलिए यहां बुलाया ना, एज एन अलाय यार? नॉट एट ऑल। एक बात बता, तुझे ये नहीं लगा मैं कबाब में हड्डी बनूंगा? अबे तू दूसरे रूम में सोएगा। शुक्र है यार, तुझे पता है जब सिमी का फोन आया था ना, मैंने सोचा था क्यों ना उसे अपने प्यारे पुराने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से मिलवा लूं, और इसी बहाने पड़ोसियों का शक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा वो तेरे साथ है। तेरे प्लान क्या है? हेलो, हाँ सिमी, कहाँ पे हो? एयरपोर्ट पे। डार्लिंग एक्चुअली थोड़ा सा पंगा हो गया है। हाँ नहीं, प्रिया यहाँ रुक गई है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। अबे ओए साहब, तुम्हें मेरा दोस्त राहुल याद नहीं है? हाँ, अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ, वही जो यहाँ रुक रहा है, रुक रहा है, बात हो गई है, तुम्हें बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने क्या कर रहा है? नो, हाँ हाँ, अरे गाड़ी तो फटाफट टैक्सी पकड़ के हट ना। हाँ चल, तो फटाफट टैक्सी पकड़ के बाबा वाले क्या कर रहा है? सबसे अबे क्या फेट है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्या मैं अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त से इतनी हद नहीं बढ़ सकता? हम नहीं करेगा, सोच के तो देख। क्यों नहीं करेगा? पूरा वीकेंड ये नोटा की कैसे चलाएंगे, और प्रिया एक दिन पकड़ लेगी। कैसे पकड़ लेगी? पहली बात तो पूछेगी हम साथ सुनिए, कह देंगे कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी, दूसरी फ्लाइट से आ रही है। हाँ मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ यार, प्रिया को दिख जाएगा। देख मैं प्रिया को बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? यही मौका है तो सिमी आएगी, बात करके सब चेक कर लियो। एक और, क्या पूछेगी हम साथ तो क्यों नहीं रहते? You will. What? तुम ये तो मेरा शेयर करोगे? No. अबे मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुझे सोने की, तू मैं रात में जाता हूँ, फिर तो स्वर्ग आने। बिल्कुल नहीं यार, impossible है। अरे कितना सिंपल है। कितना सिंपल है? कौन बेवकूफ होगा जो अपनी बंदी को बॉम्बे से दिल्ली लाए वीकेंड पे अपने दोस्त के यहाँ? ऐसा लोग करते हैं। मैं नहीं करता यार। तो तू क्या करता है? मेरा स्टाइल अलग है, ठीक है? मैं अपनी बंदी से खुद यार, यही एक सोल्यूशन है। मैं वापस जा रहा हूँ। यू कांट? क्यों? मैं भी निकल रहा हूँ, प्रिया से कह दूंगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मुंबई में, ठीक है? मैं फिर भी प्रिया को यही कहूंगा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। क्यों? तो और क्या कहूं? अभी यू कैन ऑलवेज माय ओनली अलिबाई यार। यार सिमी रास्ते में कभी भी आ सकती है यार। प्लीज, कीड़े कीड़े बहुत हो गए ना यहाँ। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैं वापस जा रहा हूँ। क्या? सॉरी, मेरी अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मुंबई में, मुझे निकलना होगा। But you can't. Exactly, मैंने भी यही कहा था। I'm sorry, I must. That's ridiculous. मैंने ये भी कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम नहीं जाओगे? प्रिया को सच बता दे राहुल। अरे इसे बताने में शर्म आ रही है। ऐसा क्यों है? The great affair. Affair? हाँ, राहुल ने मुझे सब बता दिया है, बस तुम्हारे सामने बताने में थोड़ा शर्मा आ रहा है। राहुल तुमने ऐसा क्या बताया? अरे मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों कर रहा है? She's your girlfriend. क्या? इसकी बात मत सुनो प्रिया। आजकल तो ये सब काफी कॉमन है, बहुत चला हुआ है। एडमिट करने में कोई बुरी बात ही नहीं है। अब राहुल ने से? अरे मैंने कुछ नहीं बताया। एक्सीडेंट? और डार्लिंग मैंने से बोला ये सब परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। सच में? चल अब एडमिट कर। क्या कुछ? ठीक है मैं एडमिट। अरे तुम क्या एडमिट कर रही है? इसका मतलब है कि एडमिट करती कि शी एक्सेप्ट, कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि मैं एडमिट करूं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है? पॉइंट। एक्सेप्टेबल? एग्जैक्टली। आई एम एस्टोनिश्ड। अब क्यों? इसे तुम्हें पहले बता देना चाहिए। क्यों? राहुल और सिमी। कौन? उसका नाम सिमी है। मैं वापस जा रहा हूं। ये सिमी कौन है? वो सिमी भाई बता। राहुल तुम बताओ। मैं निकल रहा हूं। ये सिमी कौन है? वो ना, गुड बाय। इसे क्या लगती है? गर्लफ्रेंड। इसकी क्या? Come on राहुल, शाबाश, बता दे यार। इसकी क्या लगती है? बताओ राहुल। प्रिया को इशू क्यों होगा? बताओ राहुल। ए राहुल, प्रिया प्यार से उसे चिम्मी बुलाते हैं। क्या ये सच है? भाई मॉडल फंसाई है हीरो ने। मैं नहीं मानती। क्यों? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ? सिमी नाम की। जो वीकेंड पे यहाँ आ रही है। अनबिलीवेबल। क्यों? बट नेचुरल है, तुमने और मैंने भी तो कितने वीकेंड साथ बिताए थे शादी के पहले।
ये दोनों शादी कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अभी ये जस्ट फ्रेंड्स हैं, इस वीकेंड फ्री थे, मैंने सोचा मिलना हो जाएगा, बट तुम रुक गई हो तो बताने में थोड़ा शर्मा आ रहा है। शर्मा आएगा क्यों नहीं, तुम सब समझ रही हो ना डार्लिंग? हाँ, धीरे धीरे। और तुम्हें कोई इशू भी नहीं है? मुझे कोई इशू क्यों होगा? डार्लिंग थोड़ा नाखुश लग रही हो। नाखुश मैं नहीं, तो जिसकी जो मर्जी वो करे, मुझे कोई इशू क्यों होना? देखा देखा तो वैसे है कहाँ ये तुम्हारी सिम्मी? उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी तो डार्लिंग दूसरी फ्लाइट में आ गई, उसी का फोन था, यही बताने के लिए फोन किया था। काफी स्मार्टली नहीं प्लान किया तुम दोनों ने सब कुछ? डार्लिंग तुम वीकेंड पे मॉम क्या जा रही थी ना, इसलिए तुम यहाँ होती, हमारी चीफ प्लानर होती। इतना मुश्किल थोड़ी ना था, तू अब यहाँ बैठ, चल मार, तब तक मैं और जाने प्रिया बाहर से कुछ बढ़िया। अरे मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। सिम्मी कभी भी आ सकती है, इसे तो यहाँ पे उसका वेलकम करने के लिए होना चाहिए, क्यों डार्लिंग? हाँ हाँ, इसे यहाँ होना चाहिए वेलकम करने के लिए। और अब जब ये वीकेंड इतना सोशल इवेंट बन ही रहा है, तो कुछ और चीजें भी ऐड कर देती हूँ जिसमें रैट पॉइजन। देखा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ ऐसे इतना स्मूथी नहीं गया जितना मैंने सोचा था। प्रिया का एक मोरल साइड है, कमाल है। मुझे अब एक ड्रिंक की जरूरत है। हाँ हाँ, कंफर्टेबल हो जाए यार, मैं तुझ पे भरोसा तो कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ, क्या? एक कुछ नहीं, ये ना खूब सारी ले आना, गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट। ये हुई ना बात, आ जाओ डाले। चलो अब जल्दी करते, ये तुम्हारा लव बॉय रुक रहा है या चल रहा है? ये बिल्कुल रुक रहा है, और ये अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर रहा है, क्यों राहुल? हाँ हाँ, तुम कहते हो तो चलो लेट्स गो। कमीने, इसीलिए मुझे नहीं बताया था ना कि तुम वीकेंड पे यहाँ आ रहे हो? तुम नहीं समझ रही, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? अभी नहीं समझा। देखो एक बात याद रखना, जैसे वो है वैसे वो लगेगी, और जैसे वो लगेगी वैसे वो है नहीं। She is what? She simply Ben. अरे आज मैं Angel, listen. Don't injure me. ये सब तुम अपनी उस सिम्मी के लिए बचा के रखो। साले राज, आने के पहले निकलो मैं। जरूर बेचारा राज। क्या
वो सब भूल जाओ, पहले मैं थोड़ा तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। जी क्या? मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन यू नो। मुझे पता है आप कौन है, राज के दोस्त। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए। पर क्यों? यार उसकी बीवी हमारे साथ डिनर टेबल पे होगी, थोड़ी सी भी गलती की ना पूरा भांडा फूट जाएगा। कहा ना मैंने, आप वो सब की टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब सिचुएशन से यूज्ड टू हूं। सिचुएशन संभालने के लिए बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल भाटिया। भाटिया? मैं मुंबई में अकाउंटेंट हूँ। मुंबई? बांद्रा मैं अकेला रहता हूँ अपने दो डॉग्स के साथ। डॉग्स? मैं 35 साल का हूँ और एक बार डिवोर्स हो चुका है। आप 35 साल के तो नहीं लगते। फिर कितने का लगता हूँ? कम से कम 40। ठीक है। अरे वो यार बीच में मैं काफी रोकने बीमार था। हाँ तो मैं रात की शादी में आया था। शादी? हाँ, मेरी हॉबी है कलेक्टिंग स्टैम्प्स और स्क्वैश। स्क्वैश? मैं होंडा सिविक चलाता हूँ और अभी 6 महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? क्या सब? आपकी छोटी छोटी डिटेल्स। यार इतना तो पता होना चाहिए ना, अगर हमें साथ होने की एक्टिंग करनी है तो। क्या? हाँ हम एक रूम शेयर करने वाले हैं। कौन सा रूम? ये वाला। हम ये रूम शेयर कर रहे हैं? हाँ, ये पहले तबेला हुआ करता था। और वो बिस्तर? थियोरेटिकली यस। क्या मतलब? अब मैं चेयर में सो जाऊंगा, फिर रात में चुपचाप जाके सुअर खाने में सो जाऊंगा। सुअर खाना? वो वाला रूम। क्या हो गया, इतनी सरप्राइज क्यों? मैं यार रात को रुकने के प्लान से नहीं आई थी। मतलब तुम रात में वापस जाने वाली? हाँ, मेरी यूजुअल जॉब में तो यही करती हूँ। यूजुअल छोड़ो, आज तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। पर क्यों? यार प्रिया एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम रुकोगी, नहीं रुकी तो काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। अच्छा अब समझी। पक्का? मुझे एक्टिंग करनी है तुम्हारी। और किसी को शक नहीं होगा? एग्जैक्टली। अच्छा पर इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्स्ट्रा? हाँ, मेरी यूजुअल जॉब में किसी की गर्लफ्रेंड बनना नहीं आता। लेकिन 5,000? 5,000 कीमत एकदम सही है। लेकिन तुम भी तो उनकी मैरिज बचाना चाहती हो ना। मुझे क्या फर्क पड़ता है? लॉची औरत, अब इंसान पैसे तो कमाएगा ही ना। बिलीव इट, 5,000। अरे हां यार, मिल जाएंगे 5,000 एडवांस। ये लो तुम्हारे पास। अब सही है। अब बताइए मैं कपड़े कहाँ चेंज कर सकती हूँ? क्या? हाँ, अब एक्टिंग करनी है तो इन कपड़ों में तो नहीं होगी ना। तो फिर क्या पहनोगी? एक छोटा एप्रन है जो मैं लेके आई थी। एप्रन? बहुत छोटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम मस्त। बस इतना ही है? क्यों, किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं नहीं यार, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर एजेंसी का रूल है जॉब। अरे यार मैं कह रहा हूँ, अरे क्या कर रहे हो? डोंट माइंड अस। शी मेड इट। आई मेड इट। लुक्स एज़ दो यू बोथ वर मेकिंग इट। इंट्रोड्यूस करा। ऑफ कोर्स प्रिया, दिस इज सिमी। सिमी, ये है प्रिया। ओह हेलो। हेलो, ये है राज, मेरे पति। राज देखो, सिमी आ गई है। कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। अरे नहीं नहीं, हां मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं। हम मिले नहीं कभी। हाय हाय। अच्छा तो तुम दोनों ने घर देख लिया? बहुत अच्छा रूम है। रूम? हमारा रूम। अच्छा, रूम ही देख लिया? हां रूम ऑफ कोर्स। लवली बेड। बेड भी? हां बेड भी, डेफिनेटली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बिग बेड्स बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं राहुल के साथ होती हूँ, जो कि रेयरली होता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्वाइट अ लॉट। और हमेशा करते रहेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी डेलिकेट क्यों ना हो जाए। वेरी टचिंग। कितना शर्माता है ना मेरा राहुल, पहले ऐसे नहीं था। जब मैं इसे पहली बार मिली थी काफी बोल्ड हुआ करता था। डिवोर्स्ड अकाउंटेंट जो मुंबई में अकेले रहता है अपने दो कुत्तों के साथ, अपने स्टैम्प कलेक्शन में खोया हुआ। एक दिन मुझे अपने अपेंडिक्स ऑपरेशन का निशान दिखाया, वो भी अपने सीलिंग के बैक सीट पे। हाँ, और कुछ कहना बाकी रह गया? क्यों, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? राइट, अब सब सॉर्ट आउट हो गया। डालिए ये शॉपिंग का सामान, इसे मैं अंदर रख देती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर लेता हूँ। मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है।
मैं कोई हेल्प करवा दूं? तुम ऑलरेडी काफी कुछ कर चुकी हो। पर मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। तुम अपने रोमियो के अपेंडिक्स का निशान देखो ना। अब बताओ तुम हो कौन? मैं। हाँ तुम। तुम इसे नहीं जानते? नहीं तो तुझे क्या लेना? मैं उतना देर से उधर आया मैं उछल रहा हूँ। मतलब ये वो नहीं है। कौन वो? तुम बताओ तुम हो कौन? मैं तो इनकी गर्ल हूँ। क्या? नहीं यार, मैंने इसे ये बोलने के लिए कहा था क्योंकि मुझे लगा ये वो है। कौन वो? अरे रूट। अच्छा चलो, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से ये बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ का कर रही हो? मैं ही बता। अरे हाँ यार बता दो सब कुछ। अरे हाँ वही क्लियर बता। मैं हूँ सिमर, एजेंसी से आई हूँ। एजेंसी? कुक एजेंसी से। आपने तो बुक किया था। कुक? ओह माय गॉड, तूने एजेंसी से कुक बुलाई थी आज के डिनर के लिए? और ये वो बुक है? हाँ। ओह माय गॉड, क्या हो तुम दोनों? बना कुछ? हाँ यार, बाय द वे एजेंसी से कुक बुलाई थी। नहीं पता नहीं कहाँ रहे। आप ही नहीं बता रहे। तुम किचन में हेल्प करवा दोगी? आई एम श्योर प्रिया को हेल्प की काफी जरूरत पड़ेगी। हाँ। क्योंकि तुम्हें किचन में हेल्प करवाना पसंद है। प्रिया काफी खुश होगी तुम्हारी हेल्प लेके। हमने कुक पे डिसीजन क्यों कर रहा है? वेरी बोरिंग, वेरी टीडियस। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। टॉपिक फिनिश। समझी? आप कहते तो ठीक है। अच्छा बाय द वे मुझे अभी याद आया, कुक का नाम भी सिमर है। कितनी अजीब बात है ना। सिमरन? क्या? कुक का नाम तो सिमरन है। और मैं तो सिमर हूँ। ये तो सिमर है। पर तुम्हें कैसे पता? एजेंसी का फोन तो मैंने उठाया था। वो मैं जब बुकिंग कराने गया था तो उन्होंने बता दिया था। कितनी अजीब बात है, मुझे लगा था नाम सिमर है। नाम कितने सिमिलर है डार्लिंग, और दोनों को शॉर्ट में सिम ही बोलते हैं। कंफ्यूजन नेचुरल है। अच्छा तो तुमने और तुम्हारी फ्रेंड ने सब कुछ देख लिया? बेड के अलावा बारे में मुझे कुछ बात करनी थी। बेड के बारे में? वो क्या है ना, मैं रात में काफी स्नोर करता हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, तो सिटी चाहती है कि वो दूसरे कमरे में सो जाए। सीरियसली? हाँ, आई होप इट्स ऑल राइट। ठीक है, तुम्हारा सामान क्या है? वो ये तो है। हाँ। बस इतना सा? मॉडल है ये? क्यों राहुल? हाँ यार तुम कहते हो तो मॉडल है। तुमने ही तो बताया था। वेल वेल, मॉडल? मॉडल ही नहीं, एक्ट्रेस भी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। आओ तुम्हें रूम दिखाती हूँ। मुझे एग्जैक्टली तुम बस अपना पार्ट प्ले करो। क्या मेरी जगह लेने के लिए कोई और बुक आ रहा है? कुछ ऐसा ही समझ लो। कितने? 5,000। 5,000 सिमी, जल्दी। अरे जाओ यार तुम। उफ, क्या क्या फनी जॉक्स मिल जाते हैं। वेल डन राहुल, ब्रिलियंट। अबे आइंस्टीन की औलाद, एक काम दिया था। साले तूने बोला था क्या तू कर रही है? तूने बोला था सिमी आ रही है, उससे मिलना, बातें करना, सब समझा देना। और तूने सब समझा दिया? टाइम ही नहीं मिला यार, उसे अपने बारे में बताते रह गया। हाँ देखा मैंने, वो तुझे अपना अपेंडिक्स का निशान दिखाने से फुर्सत मिलती तब तो। और साले मैंने मॉडल बोली थी। कौन से एंगल से मॉडल लगती है ये? इतनी भी बुरी नहीं है यार। तो शादी कर लेना पहले। अच्छा एक बात बता, तूने इसे पुलिस के लिए दिखाई कैसे? 5,000। तूने भी? क्या करूँ मैं? बहुत से Still no cook. Ah, no. No, no, no. No. तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहा। मैं खुद ही डिनर की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। अरे गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया यार। मुझे आज की कोई जरूरत नहीं। ये लेकिन अच्छा करना मजा आती है बहुत। तुम्हें कैसे पता? राहुल ने बताया था। राहुल? अच्छा, ठीक है, चलो फिर। Thank God. Finally, वही करने को मिलेगा जो मुझे समझ आता है। Congratulations, Rahul.
प्रिया के किचन में। सॉरी राहुल, ये है सिमरन। हाय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। कोट संभाल के। टेंशन मत लो, जानता हूँ बहुत महंगा है। इतनी देर का लगा दे, ये एंशियंट जगह ही ऐसी है। एयरपोर्ट पे एक कैब खड़ी थी, वो भी कोई और नहीं। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली मैं था। हम शेयर कर सकते थे। हाँ, उससे काफी इश्यूज कम हो जाते। अच्छा सुनो, प्लान में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज? इधर अब तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड। कौन? द कुक। द कुक? ना, वो कुक नहीं है। तो फिर क्या है? शी इज यू। मी? मतलब जो पार्ट तुम्हें प्ले करना था। तो अब मैं क्या हूँ? जो उसे बनना था। क्या? The cook. Exactly. What? मैं कुक हूँ। ओह, तो फाइनली आ ही गई। क्या? पता है क्या टाइम हो रहा है? हम पिछले एक घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सच में? पर इतना टाइम लगा कहाँ? वो मेरी क्या? बस मिस हो गई थी, बस। बस? बस? वो सब जो भी हो, तुम्हारी एजेंसी की ड्यूटी है तुम्हें टाइम पे भेजना। एजेंसी? Bon appetit. Thank you. The catering agency, वही से हो ना? Of course, darling, वही से तो है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। किसको ना किसी में हेल्प करना पड़ रहा है। सच छोड़ो ना darling। गुस्सा नहीं है तो आ तो गई फाइनली। Everything is normal now. शाम कितनी अच्छी है, इवनिंग एंजॉय करते हैं। हाँ, तुम लोग भी क्या? ठीक है, चलो इस तरह। तुम्हारा नाम? सिमी। सिमी। Beautiful girl. तुम्हारा है? नहीं सिमी, मेरा मतलब सिमर का है। सिमर का ही तो है। मैंगो का कोट, महंगा होगा ये तो। 20,000। क्या? मेरा मतलब है कि राहुल ने पूरे इसके 20,000 रुपए दिए हैं। सिमर का बर्थडे प्रेजेंट है भाई। वेल वेल, हैप्पी बर्थडे सिमर। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे सिमर। लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है। पकौड़े कैसे पसंद करोगे सब लोग? वो सब छोड़ दो, कुक आ गई है फाइनली। हाँ, इसे अपना एप्रन दे दो। लेकिन अरे भी कुछ नहीं, इधर आओ, अपना एप्रन सिमी को दे दो। ठीक है, आप कहते तो ठीक है। मैं एक वंडरफुल डिनर की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ, पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी है, उसके बाद मेन कोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दो। मुझे बनाना है। सिमी, तुम अपना कोट अंदर क्यों नहीं रखाती? मेरा कोट? हाँ, जो तुम्हें राहुल ने दिया था। मुझे आपके करना क्या है? खाना बनाऊं, वेटर बनूं, मॉडल बनूं, एक्ट्रेस बनूं, किसी की माशुका या तवेला चलाने वाली? देखो सिमर, मैं समझ रहा हूँ कि काफी कंफ्यूजन, बट बात बड़ी सिंपल सी। तुम जो करने आई थी भूल जाओ। अब से तुम इसकी गर्लफ्रेंड, एक मॉडल और एक्ट्रेस। यहाँ रुको, चाहे तो नहीं एंजॉय करो, बस फिर तुम्हारी छुट्टी। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मुंबई की एक हाई सोसाइटी एक्ट्रेस मॉडल बनना। कर तो पाओगी ना? अरे सर, फिकर नॉट। ये मॉडल ऐसी एक्टिंग करेगी कि आपको भी तालियां बजाने का मन करेगा। बहुत बढ़िया। पर मेरे इस काम के लिए आई थिंक ताशा मेरे के एक डिनर जितनी कीमत कर लगनी चाहिए। 3,000 रुपए? अबे क्या कर रहा है? आपकी बड़ी पक्की हो। धन्यवाद, पर बड़ी बोर हो गई हूँ सारी शाम हिसाब करते। क्या मैं अंदर किचन में कोई मदद नहीं करवा सकती? नहीं, बहुत अच्छा, जितनी मदद करवानी करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेहमान हो, कुक नहीं। चलो, डिनर बनना तो शुरू हो गया फाइनली। आई नीड अ ड्रिंक। हां, कूड़ा गया सिमी। कैन आई हैव इनो? इनो खाने से पहले तो नहीं पता था। हाँ हाँ, सही तो है। राहुल, तुम क्या लोगे? ट्रिपल वोडका, नो आइस। कितना मैचो है ना मेरा राहुल। शराब, लड़कियाँ, जिंदगी, सब अपने स्टाइल में रखता है। हाँ, सुपरमैन है।
ड्रिंक पियो और अंदर जाके किचन में हेल्प कराओ। हाय मेरा हेल्पफुल आशिक, क्या मैं कोई हेल्प नहीं करवा सकती? अरे देख सुनो ना डार्लिंग, शायद एक सिमी दूसरे की हेल्प कर दे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग इतना इंसिस्ट कर ही रहे तो फाइन। वैसे भी देख के लग तो रहा था सिमी को हेल्प की काफी जरूरत है। हाँ हाँ, तो मैं अंदर जाकर देखती हूँ सब ठीक तो है ना। उप्स, लगता है आपके लिए चीप कारपेट लगा है, मुझे इसमें चलने की आदत नहीं है। बहुत जरूरत है इसकी। जरूरत क्यों नहीं होगी, इतनी हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड जो है तुम्हारी। क्या बताएं? क्या मैं कह रहा था कि तुम्हें क्यों लगता है हाई मेंटेनेंस है? राहुल तो कह रहा था कि अपने खर्चे खुद ही उठाती है और सेल्फ सफिशिएंट है। लगता तो नहीं है, 20,000 का कोट दिलाना पड़े तो सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है। कोट की बात छोड़ो, भी दिवाली पे तुम्हें भी तो एक कोट दिलाया था। तो क्या कुछ नहीं है? लगता है मेरी कोई नीड नहीं है। सिमी हैज टेकन ओवर बट हमने तो कोई बात नहीं, वो वहां खुश है तो खुश रहे ना। सिमी के करने के लिए काफी काम होगा बाद में। That's the best suggestion I've heard all night. Eno चाहिए क्या इन्हें भी? Eno? I'll have the usual. The usual? The usual. Vodka and martini, जो मैं हमेशा पीती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो with an olive please. OMG. Did I say something wrong? नहीं. लगता है मुंबई मॉडल्स की पुरानी आदतें तुम्हें लग गई हैं। देख के आती हूँ मॉडल साहिबा को भी। क्या कर रही हो, थोड़ा कन्विंसिंगली एक्टिंग करो। बहुत बढ़िया, एक तो मुंबई से यहाँ तक आओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, ऊपर से इतने सारे अजनबियों से मिलो और तो और उनके लिए खाना भी मंगाओ। डार्लिंग बस डिनर तो छुपा लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाउ? आई विल मेक श्योर कि आज रात का बेला रात को पीने के बाद पिया बच्चे की तरह सो जाती है, फिर बस तुम और मैं और तुम। राहुल वो भी रहेगा? पागल हो गया तू? उसे तो सुपर पैलेस मिल गई है। बेचारा राहुल। बेचारा राहुल? इसी की वजह से सारा झंझट हो रहा है। क्या? मैं मेरी सास को फ्लू हुआ है। अरे तेरी कुक को मेरी गर्लफ्रेंड किसे समझा था? अबे अपने गर्लफ्रेंड के नाम को बुलाता कौन है? बॉयज बॉयज काम ना। अब झगड़ा करके क्या फायदा, हम सब संभाल लेंगे। बस तुम रात को संभाल लेना। ओए फिर सब संभाल लो। अभी क्या कर रहे हो? काफी कीड़े हो गए ना यहाँ। मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। मैं जाकर दांत चेक करती हूँ। मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बना लेता हूँ। कुछ ज्यादा ही नहीं पी रहे हो तुम, डिनर तक जिंदा रहना भी है। बाकी तो रहना है। पता नहीं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड लेके दोस्त के घर आए हो, जिंदा क्यों नहीं रहना है? वैसे भी कहना तो पड़ेगा मुझे क्या बिल्कुल ही उल्लू समझ रखा है। देखो ना मेरे साथ सोना भी नहीं चाहती वो। वो तो इसलिए क्योंकि उसको पता होगा कि तुम रात को स्नोर करते हो। अच्छा ये बता, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे याद आता है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं वीकेंड पे अपनी मॉम के यहाँ जा रही हूँ। ना जो तुमने मुझे एयरपोर्ट पे फोन किया था तब तो मुझे पता था तुम हीर को भी तो वापस नहीं भेज देता। हाँ ये बात तो सही है। देखा पर फिर वो माचुला पर एक्टर नहीं क्या सुना तो एक किरदार कर रही है। किरदार? हाँ यार शी इज एक्ट्रेस। बट व्हाई यार, जब राज ने मुझे बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले आऊं, मुझे लगा नहीं लाऊंगा तो उसे शक हो जाएगा। बस इसीलिए उसे यकीन दिलाने के लिए मैं सिमी को ले आया। तुम न जाने खाम का क्या क्या सोच रही है। तो फिर वो? अरे हाँ। और तुम दोनों के बीच? नहीं राहुल, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। तुम तो बहुत ही होशियार निकले। वो तो है। लगता है सिचुएशन हर मिनट और भी गंभीर होती जा रही है। तुम फिक्र मत करो सिमी, राहुल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। बता दिया? हाँ सब बता दिया। हाँ सब कुछ? हाँ सब कुछ। तो क्या क्या बताया? कि तुम मेरी भांजी हो। आपकी भांजी? हाँ मेरी भांजी। बताया ना कितने लगेंगे? पता है। हम तब तक मैं आपको
अपने लिए ड्रिंक बना लेती हूँ। ओ राहुल मैं कितनी खुश हूँ, मैं एक काम करती हूँ, चेंज करके आ गया। डार्लिंग अभी चेंज कर लिया। नो डार्लिंग यू लुक फैंटास्टिक एंड वैसे भी यू वोंट बी नीडिंग दोस क्लोथ्स सून। अंकल बड़ा ही डेंजरस गेम खेल रहा है। मुझे मत समझाओ ठीक है। एक बात याद रखना कि मेरी भांजी सिर्फ तुम प्रिया के लिए हो और बाकी सबके लिए, बाकी सबके लिए गर्लफ्रेंड और आपके लिए मेरी कुक। इसके लिए तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। ऑस्कर मुझे नहीं लगता ये कबाब ठीक बन रहे। अरे मुझे क्या देख रही हो, कुक तो तुम हो। कुक तो मैं बिल्कुल नहीं। तो वो कौन तुम आखिर? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर और संभाल लो ना बस थोड़ी देर। लगता है पूरी शाम के डिनर का सामान पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। थोड़ा टफ काम है, कर तो पाओगे ना? I'll do it. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर और एक्टिंग कर लो प्लीज। क्यों? हाँ क्यों? अरे क्यों? क्योंकि यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। बिकॉज़ ऑल सेट सर, आप बहुत समझ गए ना? आई एम रेडी। बहुत बढ़िया, मुझसे और रेडी हो पाएगा ये सब। अरे एंजल पूरी तरह संभाल लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम सुनो, आप ये मत बताओ कि मैं आपकी बिछड़ी हुई बेटी हूँ और इसने मर्डर भी हूँ और पूरी रात मुझे सुअर खाने में 5 सुअर और 6 मुर्गियों के साथ सोना पड़ेगा। नहीं पर मैं चाहता हूँ कि तुम सुअर खाना राहुल के साथ शेयर करो। क्या? ताकि मैं और मेरी सिंगी तबेले में सो सके। पर इसके ज्यादा लगेंगे। कितने? 10,000। 2,000? 8,000? 4,000? 6,000? 7,000? डिनर पहनने के लिए कुछ और कपड़े नहीं है? क्यों, इनमें क्या खराबी है? ता नहीं पर मॉडल टाइप नहीं लग रहे। और एक ड्रेस है जो मैं लेके आया, इससे तो कुछ भी बेटर होगा। चल चल अरे यार आप कहते तो ठीक है। कहाँ थे तुम, इतने दूर क्यों? देखा कैसे मैंने रूम्स का भी सब सेट कर दिया। रूम्स का रूम्स तक तब पहुंचेंगे ना जब डिनर से आएंगे। मैं फिर से चेक करके आता हूँ। मैं जाकर दाल चेक करती हूँ। क्या हो क्या रहा है? सब मेरी गलती यार, मुझसे कीड़े देखे ही नहीं जाते। क्या? You look awesome. You like it, baby? Beautiful. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? रिसीट मिली है मुझे, मैंगो का कोट, वो भी 20,000 का। तो? और ये नोट, कोट के लिए थैंक्स अ लॉट यू गॉर्जियस मैन सिमी। हाउ स्वीट। जानते हो इसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरे बहुत पैसे लग चुके हैं। गलत, ये मुझे राज की पॉकेट से मिला है। जिसका ये मतलब है कि ये कोट तुमने तुम्हारी भांजी को नहीं दिलाया था, राज ने दिलाया था। जानते हो इसका क्या मतलब है? कि मेरे पैसे नहीं लगे हैं। गलत, इसका ये मतलब है कि वो राज की गर्लफ्रेंड है। और ये सब तो पहले से जानते थे और अब तक अपनी बेशरम दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि वो इस सीक्रेट मुझे अपने मॉम के यहाँ भेज के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाला था। जिसका ये मतलब वो दोनों बिल्कुल हम दोनों की तरह ही तो है। क्या? बस ये कह रहा हूँ कि वो दोनों हम दोनों की तरह ही तो है। हम भी तो मेरे साथ बताने वाले थे ना। नहीं राहुल, मैं अपने मॉम के यहाँ जाने वाला था। लेकिन मेरे आने की खबर सुन के तो तुम रुक गई ना। और उसने बुलाया तो तुम्हें इसीलिए था ना। यार हम उसमें इसलिए तो गुस्सा नहीं हो सकते ना कि वो अपनी माशुका को मेरी माशुका बताना चाहता है। तुम मेरी माशुका हो, मैं उसकी माशुका को अपनी माशुका से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या क्या? ए भगवान, मैं खुद भूल गया कौन किसकी माशुका है। जो भी हो, अपने पति की माशुका को तुम्हें देख के। अरे प्रिया प्रिया सुनो तो। आज रास्ता साफ है। आप तो कोई और करने वाला है। और भी कीड़े मारना ना, ढंग से मारना, चार चार बदल दो। प्रिया यार सिमर के बारे में तो पता चल गया है। क्या पता चल गया सिमर के बारे में? मेरे बारे में क्या? अरे 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 तुम ये नहीं पहन सकती। कहा था ना मैंने यही कपड़े मेरे पास। होपलेस, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। राहुल क्या बोल रहा है? पहले ये फाइनली ये सब क्या है? बेटर, मच बेटर। अब इसके और पैसे मत मांग लेना। पर मॉडल लग रही हो ना बिल्कुल।
पर मैं बैठ कैसे पाऊंगी? ये तो बहुत ही छोटा हो गया। खड़े रहो। खाना कैसे खा पाऊंगी? हे भगवान, खाना सिमरन का क्या हाल है? कितनी जेब से याद रख देता हूँ। कोई रेडी है लेने के लिए? हाँ यार, बहुत भूख लग रही है, चल चलो खाना खाते हैं। मेरा प्यारा हुक्कर। प्यार है दोनों में, नजर ना लगे। मैंने क्या किया? कीड़े सच में बहुत ज्यादा हो गए ना। डिनर इज रेडी। गर्मी लग रही है डाली, जरा सोडा देना। सोडा? हाँ। Oops, sorry honey, my bad. फिर से चेंज करके आता हूँ। मैडम अपनी कॉफी यहाँ लेंगे। थैंक यू। सिमी, वो थोड़ा सोडा गिर गया, पोछा लगा। यस मैडम। आपने आज रात खत्म होने से पहले किसी का खून तो चख के ही रहूंगी मैं। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? ये हुआ कि मैं सबसे बड़ी गधी हूँ। I'm a fool. क्या? हाँ, एक ही घर में अपनी पति और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहना, खाना खाना और प्रिटेंड करना जैसे सब कुछ ठीक है, परफेक्टली नॉर्मल है। गधी तो हूँ मैं। गर्लफ्रेंड? हाँ। तुम्हारा मतलब है तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? Of course, मुझे पहले से सब कुछ पता था। पर तुम्हें पता कैसे चला? I found proof. Oh my God, proof. हाँ, और फिर भी मैं वहाँ बैठी रही, देखते हुए दोनों को। What a fool आया। Please, आप गुस्सा मत होइए। गुस्सा ना हो तो मेरी जगह होती तो गुस्सा नहीं होती क्या? नहीं मतलब। मतलब क्या? बता, तो मेरी जगह होती तो क्या करती? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। सवाल तो बहुत ही सिंपल है। अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारा पति तुम्हारे ही घर एक छत के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता तो तुम क्या करती? बता। तुम दोनों जहर खिला देती। क्या? तुमने किया तो नहीं ना ऐसा? क्या जहर खिलाना? जरूरत नहीं पड़ी, जहर से घटिया खाना जो बनाया था तुमने। मैं तो बस कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही थी। वो सब छोड़, अब ये बताओ उस राहुल की भांजी का क्या करूं मैं? कौन? वही वो प्रिटेंशियस बार्बी डॉल जो अंदर घूम रही है। तुम्हारा मतलब है वो कुक? मेरा मतलब है वो राहुल की गर्लफ्रेंड। अरे वो राहुल की गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी भांजी है। उसने डिनर से पहले ही मुझे सब बता दिया था। वो यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, she's my husband's girlfriend. What? That's right. Impossible. मैंने तुम्हें कहा ना, I found proof. What? एक love note जो उस कल मुही ने लिखा था राहुल राज के लिए। पर वो तो राहुल के साथ है ना? अरे वो सब एक नाटक है जो मेरे पति ने कहा था राहुल को करने के लिए, ताकि मुझे ना पता चले उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। कुत्ता कहीं का। कौन राज? ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं भी काफी शॉक्ड हूँ। मैं तो उसे मार डालूंगी। मैं भी। एक सेकंड, तुम उसे क्यों मार डालोगी? मेरा मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो उसे मार डालूंगी। मैं भी यही करने वाली हूँ। तो कमीना, उसकी तो मैं आराम से, पति है मेरा। हाँ, पर ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम्हारे साथ हिम्मत तो देखो उसकी। लगता है तुम इस सिचुएशन के थ्रू गुजर चुकी हो, तभी इतनी इमोशनल हो रही हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही होगी। अच्छा, तो बताओ फिर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? हाँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है एग्जैक्टली। मतलब हमें उसे दिखाना है कि कैसा लगता है जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करते हैं। क्या? You're a lover of your own. लवर? हाँ, पर इसमें
सोचना क्या है? एक्चुअली तुम्हें सच बताऊं तो मैं उसे ऑलरेडी सबक सिखा चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब वो मुझे उल्लू बनाता, उससे पहले मैंने उसे खुद ही उल्लू बना दिया। You mean you have a lover? हाँ। बहुत बढ़िया। Thanks। पर क्या मैं ये तब जानता था? कब? जब उसका चक्कर चालू हुआ? नहीं, उसे तब नहीं पता था। Perfect। तब तो उसके पास कोई excuse ही नहीं है। तुमने उसके साथ जो किया, वो deserve करता। Exactly। पर अब ये हम पे है कि हम उसे दिखाएं कि वो क्या deserve करता। Exactly। वैसे एक कुक के हिसाब से कुछ ज्यादा ही नहीं इन्वॉल्व हो रही हो तुम। मैं तो बस नारी शक्ति के साथ हूँ। That's very sweet. Thanks. Mention not. I hope ये last time था। इसके बाद कपड़े नहीं बचे मेरे पास। तुम अब जरा संभाल के ही रहना डार्लिंग। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मुझे नहीं पता, तुम बताओ क्या तुमने कुछ गलत कर दिया? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। I believe I have behaved well all through the evening. Wow, so cool. Look at him, so cool. Huh? कुछ नहीं गलत। क्यों keep behaving well? And since you've dressed for action, I think it's time I should do too. Where are you going? To change into something comfortable and seductive. Seductive? हाँ। किसके लिए? जिसे भी मैं seduce करना चाहूँ। काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि शी वांट्स टू लुक हॉट। नहीं, मैं तो बस तुम टेंशन क्यों लेती हो अंजल? यू ऑलवेज लुक हॉट। आई मीन ये ड्रेस थोड़ी अजीब सी है, बट यू स्टिल माय हॉट एंजल। डिनर के टाइम तुम्हें ठीक लग रही थी। डिनर के लिए सॉरी ना एंजल। वैसे तुमने हॉट फूड को एक नया मीनिंग दे दिया है। तुमने खुद खाना खाया? नहीं। अरे क्यों? क्योंकि मुझे पता था बहुत ही घटिया बना है। एंजल तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। देखना कैसे एक रूम से निकल के तुम्हारे पास। खूब जानती हूँ क्या सेट कर लिया है। मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ घूमना चाहते हो बस, और किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। राइट। मेरे अलावा किसी को? तुम्हारे अलावा। और तुम्हारी बीवी के अलावा? क्या बीवी? हाँ, उसे सब पता चल गया। सब कुछ? हाँ सब कुछ। अरे पर उसे पता कैसे चला? She found proof. Proof? हाँ, एक लव लेटर। तो तुम्हें मना नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से मना करती, मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। बॉस्टन। What did I do? तुम्हें क्या लगा मुझे पता ही नहीं चलेगा? हिम्मत तो देखो। किस बारे में बात कर रही हो तुम? किस बारे में? हाँ, तुम्हारे और उस राहुल की भांजी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। राहुल की भांजी? अब क्या डिनाई करने वाली हो मैं जो स्लीपिंग विद हर? मुझे तो पता भी नहीं कि राहुल की भांजी है कौन। तुम अभी उसके साथ डिनर करके आए हो। कौन? अब मार क्यों रही हो? वो औरत जो भी भंडो के राहुल के साथ डांस कर रही थी। वो कुक? अरे मार क्यों रही हो? वो भी वैसी ही कुक है जैसे मैं कुक हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हिम्मत तो देखो, तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा? नाटक के क्या पता चल गया तुम्हें कि मेरा चक्कर राहुल की भांजी से चला हुआ है, जबकि राहुल की भांजी है ही नहीं। अरे वो कुक है कुक, उसका चक्कर तो खुद राहुल से चल रहा है, फिर भी वो मेरी सेटिंग है। हाँ। क्या? हाँ हाँ, वो कुक नहीं है। हाँ वो राहुल की भांजी है, और हाँ तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। क्या पागल बन रही है? एक सेकंड, तुम किसी लमलोट के बारे में बात कर रहे हो? कौन सा? जो तुमने मुझे लिखा था? जो उसने तुम्हें लिखा था? प्रिया ने? प्रिया नहीं, राहुल की भांजी ने। तो उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता? राहुल की भांजी को? प्रिया को? जहां तक मैं जानती हूँ, she doesn't know. Thank God. पर मुझे उसके बारे में कुछ पता है। क्या? और हालात देख के लगता है तुम्हें भी जान ही लेना चाहिए। क्या? उसका भी कहीं चक्कर चला हुआ है। She has a lover. कौन? राहुल की भांजी? तुम्हारी बीवी बेवकूफ प्रिया। तुमने खुद मुझे बताया? I don't believe it. अच्छा नहीं लगता ना जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है। प्रिया का चक्कर चल रहा है? हाँ। मेरी प्यारी प्रिया का? हाँ। कौन है कौन? वो मार डालूंगा मैं साले को। अबे क्यों चिल्ला रहा है? तूने क्यों पहन लिया? Changing for the night looks like a good idea. हाँ, change कर लो तुम रात के कपड़ों। ज़्यादा ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है।
उठा। अब ये क्या नाटक है कि सिम्मी तुम्हारी भांजी है? तुझे कैसे पता सिम्मी मेरी भांजी है? तो मुझे तो लगा तेरी कोई भांजी नहीं है। लगता नहीं है, लेकिन प्रिया को लगता है कि है। प्रिया को लगता है? मर गया। प्रिया को ऐसा क्यों लगता है राहुल? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को पता चले कि राहुल जी मेरे बॉयफ्रेंड है। हाँ क्या तुम्हारा पति भी है? हाँ। ये भगवान, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले कभी पूछा ही नहीं। और अगर उसे पता चले कि राहुल जी मेरे बॉयफ्रेंड है, वो तो इन्हें मार ही डालेगा। ये भगवान, इसीलिए तो मैं चाहती थी जितने कम लोगों को पता चले ये मेरे बॉयफ्रेंड है उतना अच्छा है। तभी तो मैंने प्रिया को बताया कि ये मेरे अंकल है। वाह सिम्मी, तुम तो बहुत ब्राइट हो। हाँ सिम्मी, तुम तो बहुत ही ब्राइट हो। धन्यवाद। किसके लिए अलग से 5,000? वो मिल जाएगा, लेकिन वो तभी अगर तुम वादा करो कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे मारेगा नहीं। अरे सर फिकर नॉट, उसने आज तक किसी को जान से नहीं मारा। वेरी गुड। बस हटिया हटिया तोड़ लेता है। क्या? अरे पर मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा चक्कर तेरी भांजी से क्यों चल रहा है। तेरी भांजी से? यार मेरी कोई भांजी नहीं है। किसके साथ चला हुआ आपका चक्कर? तुम्हारे साथ। अब आपका भी चक्कर मेरे साथ चला हुआ है? प्रिया को ऐसा लगता है। प्रिया, प्रिया, प्रिया को वो नोट मिल गया जो सिमरन वाली सिम्मी ने तुझे लिखा था, लेकिन उसे लगा कि वो दूसरी सिम्मी है, इसीलिए उसे लगा कि वो नोट दूसरी वाली सिम्मी ने लिखा। प्रिया को नोट मिल गया? अच्छा समझा। नहीं नहीं समझा। क्या उसे ये कैसे पता चला कि वो नोट मेरे लिए? क्योंकि वो तेरी पॉकेट में मिला था। अच्छा समझा। नहीं नहीं समझा। मैं क्या उसे ये कैसे पता चला कि वो नोट सिम्मी? हमने कोर्ट सिम्मी कहीं तो बताया था। नहीं समझा। मैं क्या मेरी पॉकेट से चेक कर लिया? मुझे क्या पता था? इसके क्या? मैं तो हमेशा अपने पति के पॉकेट चेक करती हूँ। मेरी बीवी मुझ पे पूरा भरोसा करती है। बेवकूफ है क्या जो तुम पे भरोसा करती है? तुम अंदर जाओ, चलो अंदर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्या कि उससे गुस्सा होने का क्या हक है? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। क्या मतलब? अरे उससे तो सिर्फ एक नोट मिला है, उसका तो कुछ भी मतलब हो सकता है। मेरे पास तो प्रूफ है। प्रूफ? किस बात का प्रूफ? उसके अफेयर का प्रूफ। हाँ सब पता चल गया मुझे। मेरी नाक के नीचे सब चलता रहा, बता नहीं सकता तुझे। पागल हुआ जा रहा हूं मैं। भगवान, भगवान को याद करने से कोई फायदा नहीं। आज तक मैं पता नहीं क्या करने वाला हूं। आज तक मैं बता रहा हूं, आज तक मुझे लगा नहीं, लेकिन आज तो लगता है मेरे हाथों एक मर्डर तो लिखा ही है। शांति रखे। क्या शांति रखो? तू खुद को मेरी जगह रखी दे, तू भी आग बबूला हो जाएगा। मैं तुझे बता रहा हूं, जिस दिन मुझे पता चल गया वो आदमी है कौन, जान ले लूंगा मैं उसकी। जिस दिन मतलब तुम्हें अभी तक पता नहीं है वो कौन है? डोंट आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है जिंदा होता उन लोगों तक? मैं उसके काट काट के छोटे टुकड़े कर देता। बस इतना करना है तुझे? क्या? कोई मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ सो रहा है? एंड ऑल यू कैन डू? नहीं 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 नहीं, हरामी था। हाँ हरामी नहीं, हराम खोर भी है। एग्जैक्टली। भगवान करे उसको अपने कर्मों की सजा करो। भगवान क्या देंगे सजा? सजा तो मैं दूंगा। मैं उसके छोटे टुकड़े कोट के यहाँ जा रहा हूँ। बहुत हो चुका। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। किसके बारे में? तुम्हारे और उस सिमर के बारे में। क्या पता चल गया हमारे बारे में? यही कि वो राहुल की गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी भांजी है, और उसका अफेयर राहुल के साथ नहीं तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारी तुम्हारी कहानी उल्टी चली हुई है। कहानी तो तुमने चला रखी है। कोर्ट के लिए ध्यान से लॉट टू गॉर्जियस मैन सिमी। किस बारे में बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है किस बारे में बात कर रही है? इसे सब पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये तो बहुत ही सस्ते कोर्ट देता है। वो बहुत अच्छा कोर्ट था प्रिया। क्या? कौन सा सस्ता कोर्ट? कुछ नहीं यार। अच्छा तुम क्या कह रही थी कि मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ जान लेना चाहिए? प्रिया प्रिया तो चुप। शादी में तो पति पत्नी इक्वल होते हैं ना राज? हाँ तो? तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। अरे यार, हाँ अगर ये सच है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब अगर ये सच है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स, तो थ्योरेटिकली तुम भी बॉयफ्रेंड रख सकती हो। हाँ तुम चुप रहो। हाँ तो मैं कह रही थी कि अब जब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है, तो टाइम आ गया है
कि तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जान लो। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ है। कौन है वो? मार डालूंगा मैं साले को। प्रॉमिस। अरे सूली जला दूंगा मैं। बहुत बढ़िया। है कौन वो? राहुल। नाम तो सुना ही होगा। अरे सच बोल रही तू नहीं बोल रहा। दो दोस्त एक पहले बिस्कुट डुबा के खाएंगे, प्यार बढ़ता है। क्या कर रहा मैं तो? मेरी ही चाय मिली थी तुझे बिस्कुट डालने के लिए। सिम्बी का मर्द मैं भी खान खामा ही हूँ। मेरा काम खत्म हो जाता है तो अपनी घरवाली को लेने आया था। तो काम हो गया उसका? हाँ, उसका काम बस खत्म होने वाला ही है। क्या वो वाली सेटिंग हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? वही सेटिंग। हाँ, मैं इसकी सेटिंग हूँ और इसकी बीवी। बड़ी पूछ, बड़ी भयंकर सेटिंग ला गया ये तो। अरे खाप में होता तो बढ़िया है। बड़े लोग बड़े शौक। बात बोलू तब मेरी घरवाली पे कोई हाथ भी लगाता ना तो मैं तो सड़क के फोड़ देता। मन तो मेरा भी बहन। अरे कुछ मदद चाहिए तो बताओ। बहुत तो कोई ठीक है। शुक्रिया, जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा। पर मेरी सिम्मी कहाँ है? अस्मी तो चली गई। हाँ, चली गई। ऐसे कैसे चली गई? क्यों नहीं जा सकती? मैंने बोला था मैं आ रहा हूँ। हाँ, शायद इसीलिए चली गई होगी। बोला तो पता नहीं। अंदर ही होगी। मैं उसे बुला देती हूँ। मुझे भी नहीं पता। लो आ गई तुम्हारी सिमी। क्यों बोल रही थी कि चली गई? कह रहा था कि अंदर चली गई है। चेंज भी करके आ गई है मैडम। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। देखो कौन है। कौन? तुम्हें घर ले जाना है। मुझे घर ले जाने? हाँ, पर क्यों? क्या मतलब? ये कौन बला है? बला? अरे यही तो है तुम्हारी बीवी। मेरी? हाँ। यही तो है कुक, तुम्हारी बीवी। ये मैडम तो मेरी घरवाली ना है और नई कुक लग रही है। ओह गॉड, ये मेरी घरवाली ऐसे सनी लियोनी वाले कपड़े पहन के घूम रही होती तो जान ना लेना। अब इसकी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों से? केड़ी प्रॉब्लम मैडम, बड़ी पटाक लग रही हो। ऊपर तुम खाना बनाने वाली हो क्या? कभी कभी यार, खूब खाना बनाती होगी ये तो। पर मेरी सिम्मी कहाँ है? अरे यही तो है। बुरी तो नहीं है पर ये मेरी सिम्मी नहीं है। आप ना लगता है गलत घर में आ गया। छोड़ के तो ये गया था। ये तो गलत कैसे हो गया? आपकी सिम्मी नहीं है यार। कहाँ है मेरी सिम्मी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक और सिम्मी है पर वो तुम्हारी सिम्मी नहीं हो सकती। हो सकती? क्योंकि वो मॉडल है, एक्ट्रेस, रुकनी, और वो इसकी भांजी है। और फाइनली वो इनकी सेटिंग है। अलग ही बड़े चेहरों का चुस्ती। वो मेरी सिम्मी नहीं हो सकती। वो ही नहीं सकती। मेरी सिम्मी कुक है कुक, ना कोई एक्ट्रेस, ना कोई मॉडल, और ना किसी की भांजी, और ना तेरी सेटिंग। उठी तो जाने दे। क्या भगवान तो सुन नहीं रहा है? देखो ताऊ, मेरी सिम्मी करीब इतनी लंबी होगी, थोड़ी पतली होगी, और ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनेगी। वो सिम्मी तो इतनी लंबी है, इतनी मोटी है, काफी छोटे कपड़े पहनती है। बस फिर वो मेरी सिम्मी नहीं होगी। आप ना जाओ दूसरे घर में। हाँ यार, बहुत पार्टी चली हुई है यहाँ पे। ये कैन लगे तू घर चली गई? फिर कैन लगे अंदर होगी? लेकिन मैं तो किचन में थी ना। फिर कैन लगे किसी और के घर में होगी? लेकिन मैं तो इसी घर में हूँ। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे तूने? वो बहुत लंबी कहानी है राजा। अच्छा? देखो भाई ऐसा है,
Oh.